الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک و خالق کے لیے ہے، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. احادیث کی تقریباً تمام بڑی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور مشہور بھی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تین صحابی آئے، اور صحابی کون ہیں؟ ایک کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اکثر کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی دھرتی میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے بعد میری پیشانی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا. یعنی اس امت محمدیہ میں اللہ کے پیغمبر کی ذات کے بعد اگر کسی دوسری شخصیت نے اللہ کو سجدہ کیا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے صحابی عبداللہ ابن عمر ہیں، خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی کے صاحبزادے بھی ہیں. اور تیسرے صحابی حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے تین یا چار لوگ ایسے تھے
कि जो उस जमाने में भी अल्लाह की तौहीद पर कायम थे, जिनमें एक वरका बिन नौफल थे, एक हजरत जैद थे और एक ही हजरत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये तीनों जलील कदर सहाबी मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और उनसे अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी के तीन बड़े मामलात के बारे में सवाल किया। आपकी नमाज के बारे में, बिलखसूस रात की नमाज के बारे में, नफली नमाज के बारे में, आपके रोज़ों के बारे में, और नंबर तीन आपकी घरेलू ज़िंदगी या आपकी शादियों के बारे में। ये तीन आपकी ज़िंदगी के बड़े मामलात हैं। सवाल किया कि अल्लाह के पैगंबर के ये मामलात किस तरह से हैं। फरमाया अल्लाह के पैगंबर रात को नमाज पढ़ते भी हैं, सो भी जाते हैं, नफली रोज़े रखते भी हैं, कभी छोड़ भी देते हैं, आपने शादियां भी की हैं। तीनों सहाबी ये तीनों बातें सुनने के बाद कहते हैं कि कहाँ अल्लाह के पैगंबर और कहाँ हम। आने वाले सहाबी भी बड़े हैं, जिनसे सवाल किया गया वो माँ आयशा सिद्दीका भी बड़ी हैं, और जो तीन मामलात के बारे में सवाल हुआ है वो मामलात भी बड़े हैं, और इसके बाद जो इन्होंने नियत की है या इरादा किया है वो इरादा भी बज़ाहिर बड़ा नेक है। एक फरमाने लगे कि मैं आज के बाद रात को सोऊंगा नहीं, सारी रात नफल पढ़ता रहूंगा। एक फरमाने लगे मैं आज के बाद कभी रोज़ा छोड़ूंगा नहीं, मुसलसल रोज़े रखता रहूंगा। और तीसरे फरमाने लगे कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी में इंसान मसरूफ़ होकर अल्लाह की इबादत से शायद थोड़ा सा गाफिल हो जाए। ये अभी वहाँ से निकले, कायनात के इमाम तशरीफ़ लाए, मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आते ही अल्लाह के पैगंबर को सारा वाक़या सुनाया। कायनात के इमाम ने इनको बुलाया और फरमाया देखो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, वलाकिन आसूमु व अफ्तिर, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, कभी छोड़ भी देता हूँ, व अनूमु व आइकद, मैं सोता भी हूँ जागता भी रहता हूँ, व अतज़व्वुज़ुन्निसा, मैंने शादी भी की है, और ये बात याद रखो यही मेरा तरीका है। और आगे वो फिर अजीम अल्फाज इरशाद फरमाए, फरमाया फ़मर रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर कोई मेरे इस रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उसका मेरी ज़ात के साथ, मेरी सुन्नत के साथ, मेरी शरीयत के साथ और मेरे दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। हजरात ये बात अपने आप को समझा लें, नेकी वही नेकी है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, अल्लाह के पैगंबर के इरशाद के मुताबिक है। अमल जैसा भी हो, करने वाला जितना बड़ा मर्जी हो, लेकिन अगर उसके ऊपर अल्लाह के पैगंबर की अगर मोहर नहीं लगी हुई, वो अमल जो है वो अल्लाह के नज़दीक एक टके की अहमियत नहीं रखता। इसलिए मुसलमान का फ़र्ज़ है जब भी कोई अमल करे उसे देख ले कि क्या अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये थी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला कायनात के इमाम के एक और जलील कदर सहाबी हैं, मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, देखा सहाबाए किराम का एक मजमा, एक ग्रोह बैठा हुआ है, उनमें से एक आवाज़ लगाता है 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो, वो बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर देते हैं, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीह करते हैं, फिर वो बोलता है 100 मरतबा सुबहानअल्लाह पढ़ो, फिर सारे सुबहानअल्लाह पढ़ने लग जाते हैं,
बा आवाज़ बुलंद इज्तमाई तौर पर, फिर वो कहता है 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, फिर सारे 100-100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने देखा, बड़ी सख्ती से इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह के पैगंबर के सहाबियो, तुम्हें क्या हो गया? अभी तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के कफन का कपड़ा खुश्क नहीं हुआ, अभी तो अल्लाह के पैगंबर के इस्तेमाल में रहने वाले बर्तन अल्लाह के पैगंबर के घर में मौजूद हैं और तुमने ये बिदत शुरू कर ली है। गौर फरमाइए, अमल करने वाले कौन हैं? सहाबाए किराम। जगह कौन सी है? मस्जिद नबी। और अमल कौन सा है? अल्लाह का जिक्र, जिसके बारे में कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा अमल है। तीनों काम बड़े, अमल भी बड़ा, जगह भी बड़ी, अमल करने वाले भी बड़े। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने कहा हादिही बिदअतुन, इस काम के ऊपर अल्लाह के पैगंबर की मोहर नहीं लगी हुई, आपकी तस्दीक नहीं है, आपका अमल नहीं है, लिहाजा ये कारे सवाब नहीं है बल्कि बायसे अजाब है। यही अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने, एक दफ़ा सफ़र पे हैं, एक मस्जिद में पहुंचे, मुअज्जिन ने अजान दी, अजान देने के बाद मुअज्जिन ने बआवाज़े बुलंद कहा लोगों नमाज का वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाओ। जिस तरह आज हमारे यहाँ बास मसाजिद में रवाज है, अजान देने के बाद ऐलान करते हैं नमाज में 10 मिनट रह गए, नमाज में 5 मिनट रह गए। साफ जाहिर है ये काम नेकी समझ के ही करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला की जिंदगी का आखिरी हिस्सा है और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में नाबीना हो गए थे। जिस आदमी ने इनका हाथ थामा हुआ था उसे कहने लगे फौरी तौर पे मुझे इस मस्जिद से ले चलो, इस मस्जिद में अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ बिदत हो रही है, लिहाजा मैं ऐसी मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ूंगा जिस मस्जिद में अल्लाह की पैगंबर की मोहर के बगैर कोई काम हो रहा है। हजरात समझिए तो सही, दीन किसका नाम है? इस्लाम किसे कहते हैं? क्या इस्लाम ये है कि जो मर्जी दिल में आए नेकी के नाम पे करते जाओ? ये इस्लाम नहीं है। कोई कहता है जी इन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, ओ मेरे भाइयों ये कौन सा इस्लाम है? कोई कहता है जी इन्होंने नंगे पांव चलने की कसम खाई है जी, ये बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ये कौन सा इस्लाम है? कोई कहता है जी इन्होंने शादी नहीं करनी, ये कौन सा इस्लाम है? कोई कहता है जी इन्होंने चिल्ला काटा हुआ है जी, और मेरे भाइयों ये कौन सा इस्लाम है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये सब कुछ दीन के नाम पे धंधा होता है, और आप जैसे हमारे जैसे सादा लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा नेकी का काम है। ना मेरे भाइयों, अपने आप को सिर्फ एक बात समझा लो, नेकी सिर्फ वही नेकी है जिस पर अल्लाह के पैगंबर की मोहर लगी हुई है, वरना इसके अलावा कोई बड़े से बड़ा काम भी नेकी का काम नहीं हो सकता। मशहूर ताबी सैयदना सईद इब्ने मुसैब रजी अल्लाह तआला अन्हु
रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, ईद के मैदान में बैठे हैं। एक आदमी आया, मैदाने ईद में नफल पढ़ना शुरू कर दिए, सलाम फेरा। सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, भाई क्या पढ़ रहे हो? कहा नफल पढ़ रहा हूं। फारिग था, वक्त था, वुजू था, सोचा नफल पढ़ लूं। कहा सुन्नत से तो साबित नहीं। वो कहने लगे ये कोई गलत काम तो नहीं है, जिस तरह आज हम कहते हैं, ओ जी केड़ा कोई गलत काम कर रहा है, नेकी दा काम ही है ना जी, कम ते माड़ा नहीं ना। उन्होंने भी यही कहा, कहने के बावजूद बास नहीं आए। सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आए, फरमाने लगे अल्लाह तुम्हें इस अमल की वजह से सवाब नहीं अजाब देगा। गौर फरमाइए, मिदाने ईद है, पढ़ने वाला ताबी है और पढ़ नफल रहा है। सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें सवाब नहीं देगा अजाब देगा। उसने सवाल किया हैरान होकर, कहने लगा नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह अजाब देगा? यानी पढ़ तो मैं नमाज रहा हूं ना, नफल नमाज पढ़ रहा हूं। सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज सुनिए, आपको मसला समझ आ जाएगा। फरमाने लगे अल्लाह तुम्हें नमाज की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत की खिलाफ वर्जी की वजह से अजाब देगा। हजरात ये है दीन। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सारी जिंदगी देखो, अपने बड़ों की, असलाफ की, उलमा की सारी जिंदगी देख लो, एक ही जतन, एक ही कोशिश कि काम वो करना है जिस पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहर लगी हुई। मशहूर वाक्या है, सहाबा इकराम सफर पे जा रहे हैं, एक जगह पे पड़ाव किया, वहां बसने वाले कबीले ने सहाबा इकराम से कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तकरीबन तमाम मुफस्सरीन ने ये वाक्या सूरह फातिहा की तफसीर में लिखा है और ये वाक्या भी मशहूर है। जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने सलूक अच्छा नहीं किया, अचानक उनके कबीले का सरदार, उसको कोई चीज काट गई, हकीम डॉक्टर इलाज अफाका नहीं हुआ। सोचा ये लोग किसी नए इलाके के हैं, पूछें शायद कोई इलाज बता दे। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने, बड़े मशहूर सहाबी, उन्होंने कहा हम इसका इलाज कर देंगे लेकिन शर्त है। शर्त यह है कि इस दम के बदले में, इलाज के बदले में 40 बकरियां लेंगे। वो मुश्किल में थे, वो था भी कबीले का सरदार, उसने कहा जी आप दम करें, इलाज करें, अगर सही हो गया तो 40 बकरियां दे देंगे। ऐसा ही हुआ, सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। शिफा तो है ना अल्लाह के कुरान में। ये आज गुज़श्ता रात की बात है, मेरे पाँव का इलाज चल रहा है, आप सब जानते हैं, शदीद दर्द था। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मरहला है, आप दुआ फरमा दीजिएगा अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत याबी दे दे। शदीद दर्द, नींद ही नहीं आ रही, रात के 2:30 बज गए। अचानक ये बात मेरे जहन में आई, जुमे की तैयारी भी थी, ये वाकयात भी जहन में थे। मैंने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पाँव को दम किया। आप यकीन जानिए अल्लाह ने सुकून की नींद अता फरमा दी। हम करते नहीं, हम समझते नहीं, हम सिर्फ सुनते हैं, हम सर धुनते हैं, हम सुबहान अल्लाह कहने वाली मखलूक हैं। सुन लिया, वाह क्या बात है, सुबहान अल्लाह, अमल कोई नहीं।
और मेरे भाइयों, अपनाया भी करो, अमल भी किया करो। आराम आ गया, 40 बकरियां उन्होंने दे दी। सहाबा इकराम में आपस में चेमे गोइयां शुरू हो गए। कुछ कहने लगे ठीक ही है, कुछ कहने लगे अबू सईदी आपने अजीब ही काम कर दिया। कुरान पाक का दम करने के आपने मुआवजा ले लिया, पैसे ले लिए, बकरियां ले ली, और वो भी थोड़ी नहीं, 40 बकरियां आज की मार्केट की कीमत के मुताबिक कम से कम मेरा ख्याल है 4 लाख रुपया, बल्कि इससे भी ज्यादा पैसे बनते हो। एक दम करने का 4 लाख रुपया ले लिया। कसूर वाले सवाल करते हैं, ओ जी तकरीर करके पैसे लेने जायज हैं? ओ जी ये जुमा पढ़ा के लोग पैसे लेते हैं, ये जायज है? कुर्बान जाए आपके वहाबियों, देते भी बहुत हो, सवाल भी बड़े करते हो। यानी देते वक्त मुट्ठी बंद करते हो, सवाल करते वक्त बड़े शेर हो जाते हो। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, उलमा को भी सलामत रखे। आप दिल खोल के खिदमत किया करो, अब करते भी, अल्लाह जजाए खैर दे। और आने वालों को लालच नहीं करना चाहिए। जरूरियात हर इंसान की हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि लालच का पहलू नजर ना आए। बाकी अल्लाह रिज़क देने वाला है। 40 बकरियां ले ली, सहाबा ने कहा अबू सईद तूने ठीक नहीं किया। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने फरमाते ये कौन सा मुश्किल काम है, ये बकरियां हमारे पास रहेंगी, हम आपस अल्लाह के पैगंबर के पास जाएंगे, मसला पूछेंगे, अगर अल्लाह के पैगंबर ने इजाजत दे दी तो ये मैं बकरियां अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, अगर अल्लाह के पैगंबर ने इजाजत ना दी तो ये सारी की सारी 40 बकरियां मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। और सहाबा का ईमान जिस कदर बुलंद था ना, उन्होंने ऐसा करना भी था। वापस आए, अल्लाह के पैगंबर से मसला पूछा, इस अमल पे मोहर लगवाई, कायनात के इमाम ने तस्दीक कर दी। आपने फरमाया ठीक किया, ये सौदा गलत नहीं है, बल्कि बेहतरीन कमाई अल्लाह के कुरान की कमाई है। फिर जाके जब मोहर लग गई, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने उन बकरियों को अपने लिए हलाल समझा, उतनी देर तक उनको अपने इस्तेमाल में नहीं लिया। क्यों? अल्लाह के पैगंबर की मोहर जरूरी है। इसके अलावा दीन दीन नहीं है, शरीयत शरीयत नहीं है, नेकी नेकी नहीं है। और आखिरी बात, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं, सफर पे हैं, शाम की सरहद पर पहुंचे, सरहद पर पहुंचे तो इत्तला मिली कि मुल्के शाम में एक वबा फैल चाहिए, और वो वबा है ताऊन, यानी कैंसर की वबा। अल्लाह ताला आपको और हमें महफूज फरमाए। कैंसर की वबा फैल गई है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने खुद भी रोक गए, अपने लश्कर को भी रोक दिया, फरमाया कि आगे ना जाएं, खतरा है। अमर इब्ने आस रजी अल्लाह ताला ने, अजीम सहाबी हैं, फारूक आजम से मुखातिब होके फरमाते आफिरार मिन कदरिल्लाह, उमर अल्लाह की तकदीर से भागते हो? फरमाया नहीं, पहले मसला वाजे करना चाहता हूं। फरमाया मेरी जमात में कोई ऐसा शख्स हो जो इस मसले के बारे में अल्लाह के पैगंबर की हदीस बयान कर सके। मशहूर सहाबी अब्दुर रहमान इब्ने
औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अशरा मुबशरा में से है। फरमाते मैंने अल्लाह के पैगंबर से अपने कानों से सुना है, अगर किसी जगह पर वबा फैल जाए वहां के लोगों को उस इलाके से भागना नहीं चाहिए, और अगर बाहर से आने वालों को, दूसरे इलाके वालों को पता चल जाए कि फलां इलाके में वबा फैल चुकी है, उनको वहां पे जाना नहीं चाहिए। बात की समझ आ गई, मसला समझ आ गया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मौला तेरा कितना शुक्र है, आज मेरी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कायनात के इमाम की अहादीस के मुहाफिज हैं और सुन्नत हमारे सामने पेश करते हैं। मौला तेरा शुक्र है, अल्लाह के पैगंबर की मोहर हमारे सामने आ गई, मसला वाज़े हो गया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने वापस जाने का फ़ैसला कर, क्यों? अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत, आपकी मोहर, आपका फरमान, आपका इरशाद, यही मुसलमान की ज़िंदगी है, यही मुसलमान का ओढ़ना बिछोना है, यही मुसलमान के दिन रात हैं, यही मुसलमान की खुशी गमी है, यही मुसलमान की अपनी सारी ज़िंदगी का अमल है कि हर मामले में अमल से पहले देखा जाए इस अमल पर अल्लाह के पैगंबर की मोहर है कि नहीं है। अगर मोहर लगी है, अमल कीजिए, सवाब पाइए, कामयाब रहिए, और सुन्नतों पर अमल करने वाले दुनिया में भी कामयाब रहते, आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, लोगों, अगर आपने ये फैसला करना है कि अहादीस पर अमल करने वाले, अहादीस की हिफाजत करने वाले और सुन्नतों से प्यार करने वाले लोगों को क्या मुकाम मिलता है, आखिरत में तो पता चलेगा इंशाअल्लाह। ये अफसोस और इत्तेफाक की बात है कि गुज़श्ता चंद दिनों में हमारी जमात के बड़े बड़े मुहद्दिसीन फौत हो गए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस, किसी ने 65 साल हदीस पढ़ाई, किसी ने 50 साल हदीस पढ़ाई, किसी ने 40 साल हदीस पढ़ाई, वो बड़े बड़े किबार उलमाए किराम हमारी जमात के इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह जाने वालों की अगली मंजिलों को आसान फरमाए और जमात का ये नुकसान पूरा कर दे, नेमुल बदल अता फरमाए। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आओ लोगों, अगर ये देखना चाहते हो कि इस तरह पक्के होकर, सिक्का बंद होकर, डटकर अल्लाह के पैगंबर की सुन्नतों पर अमल करने वालों का अंजाम क्या होता है, दो काम करो, इन उलमाए किराम के जनाजे देखो और इन उलमाए किराम के चेहरे देखो। खुदा की कसम, फौत हुए पड़े उनके चेहरे ऐसे थे, दिल करता था बंदा नजर ना हटाए, इतना नूर मैंने कभी किसी जिंदा शख्स के चेहरे पर नहीं देखा जितना नूर प्रोफेसर अब्दुल रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह रहमतम वासिया उनके चेहरे। मैंने शेख अब्दुल हमीद हजारवी का चेहरा देखा, मैंने शेख अब्दुल रशीद हजारवी का चेहरा देखा, अपनी तकलीफ के बावजूद मुझे इनके जनाजों में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने कारी मोहम्मद याहिया रसूल नगरी का चेहरा देखा, मैंने रहमतुल्लाह रब्बानी का चेहरा देखा, मैंने मौलाना सनाउल्लाह खान का चेहरा देखा, मैंने प्रोफेसर अब्दुल रहमान लुधियानवी का चेहरा देखा,
मैंने मौलाना मोहम्मद यूनुस बट रहमतुल्ला अलैहिम अजमाइन रहमतम वासिया इनके चेहरे देखे हैं। अल्लाह की कसम, दुनिया में समझ आती है कि सुन्नतों और हदीसों से प्यार करने वालों का अंजाम क्या होता है। नहीं समझ आती तो आओ लोगों इनके जनाजे भी देखो और इनके चेहरे भी देखो, आपको एहसास यकीन हो जाएगा कि अल्लाह के पैगंबर की सुन्नतों से अमल करने का फ़ायदा क्या है। लेकिन एक ही फैसला करो, अमल वो करना है जिस पर अल्लाह के पैगंबर की मोहर होगी। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फ़रमाए। अकुल कौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।